अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब कुछ चलता है। अपने पिछले टॉपिक में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तफसील से बात की थी और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना था। हमने बैलेंस शीट के बारे में भी तफसीलन पढ़ लिया था कि बैलेंस शीट क्या होती है और कंपनी बैलेंस शीट क्यों बनाती है। आज हम इसकी सेकेंड टाइप की तरफ आएंगे जिसे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं, इसके इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या उसके अलावा भी और बहुत सारे इसके नाम आते हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट कुछ जानी पहचानी सी चीज़ लग रही है क्योंकि इसमें इनकम से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली हैं। कुछ सवाल जहन में आते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और कंपनी से क्यों बनाती है। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने के लिए बनाई जाती है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाती है ताकि कंपनी को पता चल सके कि कंपनी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। ये तो होगी चंद इनकम स्टेटमेंट के बारे में मालूमात। अब हम इन दो चीज़ों की तरफ चलते हैं जिसके कम या ज़्यादा होने से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। जी तो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस का बहुत बड़ा किरदार होता है। इनकम स्टेटमेंट में वो कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं, वो हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस का बहुत बड़ा किरदार है। अब रेवेन्यू क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दैट रेवेन्यू की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, दैट इट इज़ एन इनकम दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप कोई चीज़ें बेचते हो या आप अपनी किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उससे जो अर्निंग होती है वो रेवेन्यू कहलाता है। इन अदर वर्ड्स उसे हम इनकम भी कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, दैट इट इज एन इनकम जेनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनकम। हमारी इनकम इसी तरीके से जनरेट होती है जब आप किसी किस्म की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करें या आप कोई भी चीज़ बेचें, ठीक है, तो उसे हम इनकम, रेवेन्यू या सेल का नाम भी देते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसे सेल भी कहते हैं। तो इसके भी मुख्तलिफ नाम हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट यूज्ड बाय द कंपनी इन इट्स ऑपरेशन टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। जी हाँ, ये एसेट्स की ऐसी कॉस्ट है जो कि कंपनी अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उन रेवेन्यू से फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो हम लिखते हैं दैट इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट used by the company in its operation to produce revenue, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे है, इसका पैटर्न क्या है। तो आइए चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले हम
ऊपर ऊपर कंपनी का टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कंपनी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, लेट्स सपोज आज की डेट हम डाल देते हैं जून 19, 2019। एक साइड पे हम लिखेंगे कंपनी की रेवेन्यू या कंपनी की सेल, ठीक है, उसमें से हम लेस करेंगे। एक बिल्कुल कि मैं आपको एक सादा सी इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ, दैट रेवेन्यू जो या सेल जो कंपनी की होगी उसमें से हम लेस करेंगे एक्सपेंस, तो जो भी रिमेनिंग में अमाउंट आएगी, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कंपनी को हुआ है इस साल 10,000 का और अखराजात कुल मिला के हुए हैं 5,000, तो रिमेनिंग में जो 5,000 है वो कंपनी का प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था सारा का सारा इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो हम फर्दर इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी फर्दर टाइप्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, और फर्दर मज़ीद आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला पहुँचाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया।